हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भंग किए जाने पर बीजेपी की ओर से ली जा रही चुटकी पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के संगठन को भंग किए जाने का मामला काफी समय से लाइन में था और कांग्रेस की हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए रक्त का संचार करने के लिए पुरानी कमेटी को भंग किया है और अब नए लोगों को इस कमेटी से जोड़कर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को पहले से भी ज्यादा मजबूत किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को कांग्रेस के अंदर ताकत झोंकना करने से ज्यादा अपने संगठन पर ध्यान देने की जरूरत है। पिछले काफी अरसा से पाइपलाइन में था कि हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस का संगठन भंग की जाए और उसमें नए रक्त का संचार करने के लिए उसको नए सिरे से गठित किया जाए और कई साल हो गए थे ऑर्गेनाइजेशन को बने और प्रतिभा सिंह जी के बनने के बाद भी मुझे लगता है कि एडिशन्स ही हुए थे और पहले भी एडिशन्स ही होती रहे। तो एक बार नए सिरे से अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करनी चाहिए कि उन्होंने अपना संगठन कैसे तैयार करना है। वो अपना घर चल नहीं रहा है और दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अब अगली खबर की रुख कर लेते हैं। ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र के डिग्री कॉलेज खड में सालाना पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया और जहां कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कॉलेज परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में 3 कॉलेज स्थापित करते हुए यहां के बच्चों को घर द्वार पर उच्च शिक्षा प्रदान करने का सफल प्रयास किया गया है। अब यहां पर शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण कैसे बनाया जा सके इसके लिए इन सभी कॉलेज के प्रभारी से भी जानकारी हासिल की जा रही है। हिमाचल प्रदेश का ये विधानसभा क्षेत्र शिक्षा का हब बनकर उभरा है। देखिए अभी तक तो हम हरोली कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं और ये मेरा गृह क्षेत्र है, तो इसमें 3 डिग्री कॉलेज खुले हैं और उन कॉलेजेस को कैसे स्ट्रेंथन करना है उसका अध्ययन चल रहा है। बहुत ही अच्छा कैंपस इसका निर्मित हो रहा है और इसकी बिल्डिंग बहुत अच्छी तरीके से तैयार की गई और उसमें कॉलेज शिफ्ट किया गया है और अब यहाँ पे इंडोर स्टेडियम स्थापित किया जा रहा है। तो सब्जेक्ट्स वगैरह की चर्चा प्रिंसिपल साहब और उनके स्टाफ के साथ की जाएगी।